एनिमल मूवमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर इसका एक और नया पार्ट लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आपके चेहरे पर भी हंसी आने वाली है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जरा सबसे पहले आप इस वीडियो पर ही नजर डाल लीजिए, जहाँ पर ग्राउंड के अंदर ये गिलहरी आराम से दाना खा रही होती है। पर तभी यहाँ पर इसका शिकार करने के लिए एक डॉग भी मौजूद होता है, जो कि काफी देर से इसके ऊपर घात लगाए बैठा है और धीरे धीरे करके इसकी ओर बढ़ भी रहा है। यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि डॉग कितनी चालाकी दिखा रहा है, लेकिन इतनी चालाकी दिखाने के बावजूद भी इस डॉग को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और आखिर में ये गिलहरी इसको चूना लगाकर मात्र एक ही सेकंड में यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद ये डॉग भी अपना लटका हुआ मुंह लेकर यहाँ से तेजी से भाग निकलता है। और चूना लगा दिया। अगले वीडियो के अंदर घर के बाहर एक लोमड़ी आती है और वहीं घर के अंदर शीशे के सामने एक बिल्ली बैठी थी, जो कि इस लोमड़ी के ऊपर इस कदर झपट्टा मारती है कि बेचारे की हवा टाइट हो जाती है और यह उल्टी गिर जाती है और आखिर में यहाँ से भाग निकलती है। ये कुत्ता काफी देर से इस जानवर को चिढ़ा रहा था, शायद ये इसे छोटा समझकर इसको हल्के में ले रहा था और इसी वजह से फिर क्या होना था, इस जानवर को भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये इसके ऊपर हमला करके इसके मुंह को बुरी तरह जकड़ लेता है। जिसके बाद तो आप इस डॉग की हालत देख ही सकते हैं कि किस तरह बेचारा अपने किए पर पछता रहा है। अगले वीडियो के अंदर भी बकरा पता नहीं किस बात से नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद इस कुत्ते के ऊपर इतना जोरदार हमला करता है कि बेचारे को दीवार के अंदर ही फिट कर देता है। यहाँ पर कुछ बिल्ली के बच्चे इस केकड़े के साथ मस्ती कर रहे थे और यहाँ पर एक केकड़ा काफी ज्यादा छोटा भी था और इसी वजह से शायद ही इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन परेशान किए जाने की वजह से इस केकड़े को भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये इस बिल्ली के बच्चे के ऊपर जोरदार हमला कर देता है और इसे जकड़ लेता है। अब भाई ये बतख आज तो शायद इस कुत्ते की खाल खींच कर ही मानेगी। अरे देखो तो कैसे ये इसे चोर से पकड़े हुए हैं और इसे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही है। कुछ ऐसा इस कुत्ते के साथ भी हुआ, जो कि एक बतख के झुंड के बीच में फंस गया और इसको चारों ओर से दुश्मनों ने घेर रखा है, जिसके चलते बेचारा इस पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है ताकि अपने आप को बचा सके। वाकई में ये डॉग तो काफी ज्यादा लाचार निकला। अगले वीडियो के अंदर ये बंदर इस कुत्ते को शायद यहाँ से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से ये बार बार इसके पैर को पकड़ के अपने हाथों की मदद से खींच रहा है, जैसे मानो कह रहा है अरे भाई मेरे साथ चलना। लेकिन ये कुत्ता भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से ये बार बार पीछे जा रहा है। इस वीडियो के अंदर ये भालू कुछ लोगों के पीछे दौड़ लगाता है और छत से होते हुए उनके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन जब ये लोग छत से दूसरी छत पर कूदते हैं तो ये भालू भी उनके पीछे कूदता है और इसी कूदने के चक्कर में ये फिसल कर गिर पड़ता है और अपना पोपट करवा बैठता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक छोटे से केकड़े ने एक बिल्ली के बच्चे की हालत खराब कर दी और कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बड़े से केकड़े के सामने यह बिल्ली काफी देर से अपने पंजे को दे रही होती है और इसी वजह से इस केकड़े को भी इसके ऊपर तरस आ जाता है और फिर क्या था, ये भी इससे हाथ मिला लेता है। लेकिन जो ये इससे हाथ मिलाता है तो बिल्ली की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। Yeah, that's why he's not hurt about that.
ये बकरी शायद इस बिल्ली को हालचाल पूछने आई थी, लेकिन शायद आज इस बिल्ली का मूड खराब था और इसी वजह से इस बेचारी को एक चाटा रसीद कर देती है, जिसके बाद इस बकरी को भी गुस्सा आ जाता है और ये भी अपना गुस्सा लेकर ही यहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझती है। अब भाई जरा अगले इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर ये बिल्ली अपनी साथी बिल्ली को काफ़ी देर से ठेंगा दिखा रही है, क्योंकि जो ही वो इसकी ओर आती है तो ये इस नाले के मदद से दूसरी ओर निकल जाती है, और जब वो दूसरी ओर जाती है तो ये फिर इधर आ जाती है, और ये ऐसा ही काफ़ी बार करती है, जिसमें वो बिल्ली चाकर भी इसे पकड़ नहीं पाती है। अब भाई जरा आप इस बेचारे डॉग को भी देख लीजिए, जो कि शायद चलने में असक्षम है, और इसी वजह से ये अपने पिछले पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन जब वीडियो बना रहा शख्स काफी देर तक इसका ऐसे ही वीडियो बनाते रहता है, तो आखिर में ये डॉग उठकर यहाँ से भाग निकलता है। वाकई में इसने तो वीडियो बनाने वाले शख्स को ही चूना लगा दिया, और साथ में हम सबको भी। दोस्तों आज तक आपने कई फुटबॉलर देखे होंगे, लेकिन जरा रुकिए और आज इन दो अनोखे फुटबॉलर से भी मिल लीजिए, जो कि किस तरह इस फुटबॉल से खेलने का मजा ले रहे हैं और दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर एक छोटा बंदर इस बड़े बंदर के पिछले पैरों के बीच में कुछ इस तरह लटकता है कि यह बंदर चाकर भी उसे अपने हाथ से पकड़ नहीं पाता है, और काफी कोशिशें करने के बाद भी ये उसे नीचे नहीं उतार पाता है, और काफी कोशिशें करने के बाद भी ये उसे नीचे उतारना तो दूर बल्कि उसे छू तक नहीं पाता है। अब भाई जरा वीडियो में आगे बढ़ते हुए जरा इस कमाल की वीडियो के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर ये छोटा सा डॉग इस आदमी की नकल करता है। जरा आप एक बार खुद ही देखिए। जंगल झाड़ी जिन जाई हो किसान किसानिन हो। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर हंसी जरूर आई होगी। सबसे आखिरी वाले इस वीडियो के अंदर एक बंदरों की टोली इस स्कूटी पर आकर बैठ जाती है, और इसी दौरान एक छोटा बंदर स्कूटी के एक्सीलरेटर को खींच लेता है, और इसी वजह से वो स्कूटी चलकर गिर पड़ती है, जिसके बाद ये तुरंत ही सब यहाँ से गोली हो जाते हैं, जैसे मानो इन्होंने तो कुछ किया ही ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।